अब हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं जो कि है कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट। जैसा कि फंक्शन के नाम से ही पता चल रहा है, ये फंक्शन अकेले चेक करेगी कि एंटर किया हुआ कैरेक्टर लेटर या डिजिट इन दोनों में से क्या है या दोनों में से कुछ भी नहीं है। इस फंक्शन का यूज क्या है? दिस मेथड और फंक्शन चेक्स वेदर एंटर्ड कैरेक्टर इज अ लेटर और अ डिजिट। अगर आपका एंटर किया हुआ कैरेक्टर लेटर या डिजिट होगा तभी आपको वैल्यू के हिसाब से आंसर ट्रू मिलेगा। इट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू दैट इज ट्रू और फॉल्स। सिंटेक्स देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट कैरेक्टर रैपर क्लास है, इज लेटर और डिजिट यहाँ फंक्शन है एंड कैर इज द आर्ग्यूमेंट। आइए अब हम अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं बूलियन बी। मैंने यहाँ इज लेटर और डिजिट में एज अ पैरामीटर कैपिटल आर पास किया है, तो कैपिटल आर इज अ लेटर, कंडीशन ट्रू हो गई। बी के अंदर आर की स्टोर हो जाएगा ट्रू और जब हम बी के वैल्यू को प्रिंट करेंगे हमें आउटपुट मिल जाएगा ट्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने इसमें एंटर किया है एज अ पैरामीटर सिक्स। सिक्स इज अ लेटर? नो। सिक्स इज अ डिजिट? ट्रू। सो इस डिजिट के चलते ये वैल्यू आपको ट्रू रिटर्न करेगी जो कि बी में स्टोर हो जाएगी और जब आप बी के वैल्यू को प्रिंट करेंगे आपका आंसर ट्रू आएगा। तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। कैर सी एच इज इक्वल टू हैश। अब हम बी इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लेटर, एक्चुअली में यहाँ पे क्या आएगा? हैश इंटरनली। ओके, अब ये चेक करेगी हैश इज अ लेटर? नो। हैश इज अ डिजिट? नो। दोनों केस में फॉल्स हो गया तो बी के अंदर स्टोर हो जाएगी फॉल्स और आप जब बी के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो आपका आउटपुट हो जाएगा फॉल्स। यहाँ ये पार्ट जैसा कि मैंने आपको बताया है आपको खुद ट्राई करना है, ट्राई करें, बिल्कुल इजी है मुझे पता। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो कि है कैरेक्टर डॉट इज डिजिट। ये चेक करता है एंटर किया हुआ कैरेक्टर कैरेक्टर डिजिट है या नहीं। दिस मेथड और फंक्शन चेक्स वेदर एंटर्ड कैरेक्टर इज अ डिजिट और नॉट। इट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू दैट इज ट्रू और फॉल्स। आपको ये पता है यहाँ पर सिंटेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम उसी तरीके से है। कैरेक्टर डॉट इज डिजिट में से कैरेक्टर आपका रैपर क्लास है, इस डिजिट आपका फंक्शन है, मेथड और फंक्शन है एंड कैर इसकी आर्ग्यूमेंट है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के तरफ जिसमें कि हम कैरेक्टर डॉट इज डिजिट के एग्जाम्पल्स को ब्रीफ करेंगे। बूलियन बी कैरेक्टर डॉट इज डिजिट सिक्स, क्या सिक्स एक डिजिट है? कंडीशन ट्रू है, बी के अंदर आ के वैल्यू स्टोर हो जाएगी ट्रू। अब जब बी को प्रिंट करेंगे वो आपको आंसर देगी ट्रू। मैंने यहाँ फिर एंटर किया है कैपिटल आर, क्या कैपिटल आर इज अ डिजिट? कंडीशन इज फॉल्स, सो बी के अंदर आपका आकर वैल्यू स्टोर हो जाएगा फॉल्स। आप जब बी को प्रिंट करेंगे फॉल्स आउटपुट हो जाएगी। अब नेक्स्ट है कैर सी एच इज इक्वल टू, मैंने पास किया है हैश। ये चेक करेगी कि क्या हैश एक डिजिट है? कंडीशन इज फॉल्स, सो बी के अंदर आकर स्टोर हो जाएगी वैल्यू फॉल्स और जब आप इसे प्रिंट करेंगे आपको आउटपुट मिलेगी फॉल्स। ये सेगमेंट आपका है, आपको इसे खुद से सॉल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की ओर जो कि है कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस। यहाँ पर आपको ध्यान देना है इज वाइट स्पेस में केवल W कैपिटल में होगा, S हमेशा बिल्कुल स्मॉल में होगा। इसे आप कैपिटल करेंगे तो प्रोग्राम एरर दे देगा क्योंकि वो उसके लिए एक अननोन फंक्शन हो जाएगा। अब ये करता क्या है? दिस मेथड और फंक्शन चेक्स वेदर एंटर्ड कैरेक्टर इज अ स्पेस और नॉट। ये सिर्फ जब हम स्पेस एंटर करेंगे उस केस में ही हमें वैल्यू रिटर्न करेगी ट्रू। स्पेस के अलावा हम अगर किसी भी कैरेक्टर को डालें ये हमेशा फॉल्स ही रिटर्न करेगी। इट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू दैट इज ट्रू और फॉल्स। इसका सिंटेक्स देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर है कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस कैर, इसमें कैरेक्टर आपका रैपर क्लास है, इज वाइट स्पेस मेथड और फंक्शन है एंड कैर इसका आर्ग्यूमेंट है। अब हम यहाँ देखेंगे इज वाइट स्पेस के एग्जाम्पल को। बूलियन बी, बी इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस, यहाँ पर मैंने पास किया है स्पेस, दो सिंगल कोट्स के बीच मैंने एक बार स्पेस बार को दबाया था तो यहाँ पर आपका वैल्यू एक्चुअली में एक स्पेस है।
सो इज इट अ वाइट स्पेस, कंडीशन इज ट्रू, तो बी के अंदर आपका वैल्यू स्टोर हो जाएगा ट्रू, और जब आप बी को प्रिंट करेंगे एज एन आउटपुट आपको मिलेगी ट्रू. नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने पास किया एज आर्ग्यूमेंट कैपिटल आर, सो इट विल चेक कैपिटल आर इज वाइट स्पेस, नो कंडीशन इज फॉल्स, तो बी के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी फॉल्स, और जब आप बी को प्रिंट करेंगे ये आउटपुट देगी फॉल्स. थर्ड एग्जाम्पल में आप देख पाएंगे मैंने लिया है हैश, यहाँ पर एक्चुअली में ये इंटरनली कंपेयर करेगी क्या हैश इज अ वाइट स्पेस, कंडीशन इज फॉल्स, तो बी के अंदर फिर आपके आंसर स्टोर हो जाएगी फॉल्स, और जब आप बी को प्रिंट करेंगे आपको एज एन आउटपुट वैल्यू मिलेगी फॉल्स. ये एग्जाम्पल्स नाउ यू ट्राई ट्राई आउट के अंडर में आपको खुद से सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है, आई होप वेरी इजीली आप इसे सॉल्व कर लेंगे. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर जो कि है कैरेक्टर डॉट टू अपर केस. अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस चेक किए सारे फंक्शंस इज से स्टार्ट हो रहे थे, ये पहला फंक्शन है जिसे आप देख पा रहे हैं ये टू से स्टार्ट हो रहा है. जितने भी फंक्शन इज से स्टार्ट होते हैं वो चेक करते हैं कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, सो उनके द्वारा दिया हुआ वैल्यू का रिटर्न टाइप हमेशा सिर्फ या तो फॉल्स या फिर ट्रू होगा. बट टू अपर केस में ये पहला फंक्शन ऐसा है जो कि आपके द्वारा दिए हुए कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा अगर वो एक अल्फाबेट है और अगर वो लोअर केस में है तभी. देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को. दिस मेथड और फंक्शन कन्वर्ट्स लोअर केस अल्फाबेट, सिर्फ ये लोअर केस अल्फाबेट को ही कन्वर्ट कर सकता है इनटू अपर केस अल्फाबेट. इट रिटर्न्स अ कन्वर्टेड अपर केस अल्फाबेट क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है एक अल्फाबेट, सो इसका रिटर्न टाइप हमेशा कैर डेटा टाइप ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है. अगर हम सिंटेक्स की बात करें, सिंटेक्स है कैरेक्टर डॉट टू अपर केस और आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर कैरेक्टर आपका रैपर क्लास है, टू अपर केस आपका फंक्शन है और कैर आपका आर्ग्यूमेंट है. इसमें आपको ध्यान रखना है टू अपर केस फंक्शन, टू से आपको याद रखना है कि ये सिर्फ कैर टाइप का वैल्यू ही रिटर्न करेगा. आइए अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल देख पाएंगे कैर सी एच कैरेक्टर डॉट टू अपर केस में मैंने पास किया है स्मॉल जी, स्मॉल जी को कन्वर्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन मिला है टू अपर केस के द्वारा, इसे आप कैपिटल में कन्वर्ट कर दें, तो ये क्योंकि लोअर केस अल्फाबेट है इसीलिए ये कन्वर्शन पॉसिबल है और ये सी एच स्मॉल जी के बदले कैपिटल जी को स्टोर करेगा और जब आप इसे प्रिंट करेंगे आपको आउटपुट कैपिटल जी मिलेगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने ऑलरेडी एक ऐसा अल्फाबेट पास किया है जो पहले से ही अपर केस में है. अगर आप ऐसा कोई भी अल्फाबेट पास करेंगे जो पहले से ही अपर केस में है तो टू अपर केस उसके साथ कोई चेंज नहीं करेगा और वही सेम वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा. सो सी एच के अंदर कैपिटल पी ही रह जाएगा, नो कन्वर्जन एट ऑल, और आप जब सी एच को प्रिंट करेंगे सेम अल्फाबेट आपका आंसर हो जाएगा. अगले एग्जाम्पल को देखते हैं. टू अपर केस में मैंने पास किया फाइव को, क्या ये लोअर केस अल्फाबेट है? नहीं, सो इसका कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, सो ये फाइव एज इट इज सी एच के अंदर स्टोर हो जाएगा और आपका सी एच का वैल्यू फाइव ही रह जाएगा, और जब आप सी एच को प्रिंट करेंगे तो वो डिजिट जिसे आपने पास किया था आपका आंसर बन जाएगा. ये नाउ ट्राई आउट के अंडर में आपको खुद से ट्राई करना है, बिल्कुल आसान है, आप इसे ट्राई करें और सीखें. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. हमारा नेक्स्ट स्लाइड है कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस. लास्ट फंक्शन में आपने देखा था वो था टू अपर केस, ये है टू लोअर केस, जस्ट उसका ऑपोजिट. यहाँ पर आपको ध्यान देना है ये भी टू से स्टार्ट होता है, सो इसका भी रिटर्न किया जाने वाला वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कैर ही होगा. नाउ दिस मेथड और फंक्शन कन्वर्ट्स एन अपर केस अल्फाबेट इन टू लोअर केस अल्फाबेट. इट रिटर्न्स अ कन्वर्टेड लोअर केस अल्फाबेट.
जैसा कि मैंने लास्ट फंक्शन में बताया था, टू अपर केस भी कैरेक्टर वैल्यू ही रिटर्न करता है और टू लोअर केस भी कैरेक्टर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। तो इसकी अगर हम बात करें रिटर्न टाइप की, तो ये आपको कैर डेटा टाइप का ही वैल्यू रिटर्न करेगा। सिंटेक्स देखते हैं, कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस कैर, इसमें कैरेक्टर आपका रैपर क्लास है जो आप सभी जानते हैं, टू लोअर केस फंक्शन है और कैर इसका आर्ग्यूमेंट है। आई होप ये भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि टू लोअर केस का एग्जाम्पल्स वाला स्लाइड है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कैर सी एच कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस में मैंने पास किया है कैपिटल जी। कैपिटल जी को लोअर केस में कन्वर्ट करने का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, तो कैपिटल जी का लोअर केस में कन्वर्जन पॉसिबल है, इसलिए स्मॉल जी हो जाएगा आपका सी एच का आंसर। और जब आप सी एच को प्रिंट करेंगे एज आंसर, आप स्मॉल जी पाएंगे। यहाँ मैंने एक अल्फाबेट पास किया है जो लोअर केस में है। अब इस लोअर केस अल्फाबेट को टू लोअर केस कुछ भी चेंज नहीं करने पाएगा, सो ये स्मॉल टी एज इट इज वैल्यू बन जाएगी इस वेरिएबल सी एच का। सी एच के अंदर एज इट इज स्मॉल टी आ जाएगा और जब आप सी एच को प्रिंट करेंगे आपका आंसर स्मॉल टी ही रहेगा, नो चेंजेस एट ऑल। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में मैंने लिया है 5 एज एन आर्ग्यूमेंट। क्या ये टू लोअर केस 5 को लोअर केस में कन्वर्ट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि 5 एक डिजिट है। सो ये आपका 5 एज इट इज सी एच के अंदर चला जाएगा और सी एच के अंदर स्टोर हो जाएगी वैल्यू 5 बिल्कुल अनचेंज्ड फॉर्म में। और सी एच को जब आप प्रिंट करेंगे आपका आउटपुट हो जाएगा 5। ये नाउ यू ट्राई आउट आपका सेगमेंट है। आई होप स्टूडेंट्स ये सारे फंक्शंस आपको जरूर हेल्प करेंगे और अभी तक मैंने जो भी समझाया आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लाइकिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल राजन सर। आप इस लोगो पर जरूर ध्यान दें, ये मेरा लोगो है राजन, जिसमें आप 3232 देख पा रहे हैं, ये मेरा ओरिजिनल लोगो है। इस लोगो के साथ ही आने वाले राजन सर चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर ब्लू जे डिस्क्रिप्शन प्रोग्राम थ्योरी आउटपुट एंड एवरीथिंग, डू टेक केयर, स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।